हे गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि क्लोथिंग आयरन यानी कि प्रेस कैसे काम करती है और उसके अंदर यूज़ होने वाला थर्मोस्टेट जो कि ऑटो कट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है। तो शुरू करते हैं। इस आयरन को मैं पूरी तरह खोल चुका हूँ। ये यू शेप्ड हीटिंग एलिमेंट है जो कि आयरन प्लेट को गर्म करता है। ये बायमेटालिक स्ट्रिप है जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पर बेंड हो जाती है। ये स्विचिंग मैकेनिज्म है और इन दोनों को मिला के ही हम थर्मोस्टेट कहते हैं। ये नॉब है जिसे रोटेट करके हम टेम्परेचर सेट करते हैं। यहाँ पर एक अपर और एक लोअर मेटालिक स्ट्रिप है जो बार बार कनेक्ट और डिसकनेक्ट होती हैं। नॉब को रोटेट करके एक टेम्परेचर पर सेट करने से दोनों मेटालिक स्ट्रिप कनेक्ट हो जाएंगी, जिससे करंट फ्लो होगा और आयरन गर्म होनी शुरू हो जाएगी। इस वजह से बायमेटालिक स्ट्रिप भी गर्म होकर अपवर डायरेक्शन में बेंड होने लगेगी और सेट टेम्परेचर तक बेंड होकर वो अपर मेटालिक स्ट्रिप को पुश करके लोअर मेटालिक स्ट्रिप से डिसकनेक्ट कर देगी, जिससे करंट फ्लो रुक जाएगा और आयरन गर्म होनी बंद हो जाएगी। अब धीरे धीरे बाई मेटालिक स्ट्रिप भी नीचे आने लगेगी, जिसकी वजह से अपर मेटालिक स्ट्रिप लोअर मेटालिक स्ट्रिप से दोबारा कनेक्ट हो जाएगी। अब इसकी प्रैक्टिकल वर्किंग देखते हैं। तो अब ये प्रोसेस इसी तरह रिपीट होता रहेगा और इसी तरह क्लोथिंग आयरन ऑटो कट होती रहेगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक बटन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।